हम लोग तो सिर्फ मुंह से कविता पढ़ते हैं, वो चारों तरफ से पढ़ता है। ऐसे चक्रवर्ती काव्य पाठ करने वाले दिनेश बावरा से अनुरोध है कि वो अपने सूक्ष्म पार्थिव शरीर को उठाएं और अपना पराक्रम प्रदर्शन करें। आज बड़े वाले भाई का कुर्ता पहनाए हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। श्री दिनेश बावरा, आओ बावरा। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूजनीय संत चिन्मयानंद बापू जी को विशेष प्रणाम। मैं पहला कवि हूँ मुख्यमंत्री जी। चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आता है, उस दिन अगर पहला रुझान ठीक निकले तो सरकार उसी की बनती है। तो मुझे रुझान के तौर पर सुनिएगा। मैं ताली बजा लेंगे, चिंता न करिए। हमको चिंता इस बात की है कि इन्होंने कहा कि हम दिन को दिन बोलेंगे, रात को रात बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे सर, पैसा लिए हैं, अगले साल बुलाया जाए ऐसा ही बोलेंगे। बहुत अच्छे, ईमानदार रहना चाहिए सर। मैं बहुत ईमानदार कवि हूं, जो पार्टी वाले बुलाते हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। आज आपने बुलाया, आपके साथ हैं, कल कोई और बुलाएगा और उसके साथ होंगे। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ ना, आदमी भी ऐसा है। वो एक आदमी मुख्यमंत्री जी वोट डालने गया तो ईवीएम मशीन के सामने 5 मिनट खड़ा रहा। तो बोले तुमको समझ में नहीं आ रहा कि इसको वोट देना है। तो वोट डालने वाले ने बोला सब समझ में आता है, पढ़ा लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तो ईवीएम से काम मांग रहे हो क्या? बोले नहीं साहब, आप जाओ हम वोट दे देंगे। अरे क्यों नहीं दे रहे हो? बोले शाम कल रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था? उसी का नाम याद कर रहे हैं, वही बटन दबाना है साहब। ये जो लोकतंत्र है, इसमें हम जो कुछ कह जाएं, लेकिन आपके यहाँ की जनता की आवाज बहुत अच्छी है। हम माइक पे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ रैली नहीं है भाई, कवि सम्मेलन है। हाँ ठीक रही है, लेकिन मैं बहुत कम समय के लिए हूँ, मैं पहला कवि हूँ। हाँ वो उधर के लोग बैठ जाएं तो अच्छा है। हाँ, भैया बैठ जा, आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाएं। हाँ, तो अच्छा है, हम घर आके सुना देंगे यार, खाली आदमी है चिंता न करो। मैं प्रणाम करता हूँ, कोई व्यंग कर जाऊं, कबीर के खानदान से हूँ, क्षमा करिएगा। मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं छोटी सी अपनी प्रस्तुति, कविता ने बाप की बात कही। बैठ जाओ, हाँ ले मिली ना जगह, जगह मिली ना, यहाँ कांग्रेस का शासन है, मिलेगी जगह। हाँ बैठिए बैठिए, हाँ बैठिए बैठिए, बस हम पहले कवियाँ बिठाने काम आते हैं। हाँ मुख्यमंत्री जी आए, कुमार विश्वास जी के बगल में बैठे, उनसे बातचीत की, हम कवियों से नहीं मिले। तभी हमें पता चल गया था कि हमारी इज्जत क्या है। सर हम पिछड़े नहीं, वो यही पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा ढंका है। हाँ, तो मैंने तेरा नाम बताया था कि भाई साहब इसको सुनना बहुत। सर अगली टिप्पणी पर ये पांडाल खड़ा कर दूंगा, ये दावा है मेरा। कुमार विश्वास जी मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हद है सर, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये साहित्य में ही संभव है, राजनीति में संभव नहीं है। हमारी माँ झाड़ू से मारती थी, इनको एक पार्टी ने। डॉक्टर साहब यार आप आनंदित रहिएगा, देखिएगा सर हम कवि आदमी हैं। एक टिप्पणी सुनाता हूँ आपको, अच्छा लगेगा। हम फकीरों का खानदान है। हाँ। हमारा खानदान थोड़ा सा बड़ा है, और उस बड़े खानदान से देखिए क्या है। हमारी तो एक दो पड़ोसन आपस में लड़ रही थी, तो एक बोली तू चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती, तो दूसरे ने कहा पति से लड़ने से फुर्सत हो तब न लड़ें। और केंद्र में है, उनके यहाँ पति जैसी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वो खुद लड़ के जीत जाते हैं भाई साहब, उसमें कौन से बड़ी बात है। यहाँ तो घर में भी लड़ना पड़ता है भरवार में, लेकिन ये कविता का रंग है। इतनी भीड़ देख करके कहाँ से बुलाते हैं भाई News24 वाले। हाँ। ये lalluram.com वाले इनको बांट दिया, इसमें हमारा धंधा नुकसान होता है। अगर इस भीड़ को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 5 कवि सम्मेलन होगा।
हमें 5 बार पेमेंट मिलेगा। एक बार बुला के लूट लिया है आप लोगों ने, बताइए हद हो गई यार साहब। लेकिन अभी आप मेरे लायक नहीं हुए हैं, मैं अपने लायक करना। देखिए महिलाएं जो बैठी हैं, सर पुरुष स्वच्छता में भरोसा करता है, महिलाएं नहीं करती हैं। अच्छा, नहीं करती हैं सर। हाँ, छत्तीसगढ़ की माटी पे बोल रहा हूं, यहाँ पर रामेश्वर वैष्णव है, मैं सुरेंद्र दुबे को भी याद करूंगा, इस क्षेत्र को कवि सम्मेलन का संस्कार दिया उन्होंने। मैं बड़े मन के साथ एक बात बताता हूँ, महिलाएं स्वच्छता में नहीं पुरुष स्वच्छता में भरोसा रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई पुरुष नाई के पास बाल कटा करके आकर के पहले घर में नहाता है? आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं 5 मिनट में आपको एक कविता सुनाता हूं। सर क्या, हम 5 साल के थे सर, जितने भी मंत्री लोग बैठे हैं 5 साल के थे, हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर के हैं। हमें तो लगा था कि ये लोग बुलडोजर ही भेजेंगे लाने के लिए। हम गोरखपुर से हैं, तो वो 5 साल के थे, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले स्कूल में जमा ही होते थे, अब कॉन्वेंट कल्चर है, एक फादर घर में एक स्कूल में, ट्यूशन अलग से, फिर भी फेल होने का डर रहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ 3G नहीं था, 4G नहीं था, एक गुरुजी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे भाई साहब। मैं सही बताता हूँ, हमारा जमाना क्या था। ऐसा बगीचे में सर लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, हाँ, किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो हमारे है नहीं यार, हमारे पिताजी तो मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने पिताजी से पूछा, आप हमारे पिताजी नहीं हो तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हाँ। अब हम संस्कार समझ गए, मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखा, हमसे पूछ लिया किसके पिताजी हैं, हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटे हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं। सर पहले दिन ही स्कूल में एक इंस्पेक्टर जांच करने आया, खचा खच बच्चे देखे जैसे यहाँ हैं। हैरान हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे होते नहीं। अच्छा, सीधे बाप। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। बोले रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। वो टेंशन में आ गया, उसने डांटना शुरू किया, तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कच्चे बच्चे हो। बच्चे ने कहा मास्टर जी बात ऐसी है कि मसली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे, ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा, अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा। मास्टर पगला गया, उसने इंस्पेक्टर ने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली हमारे पिताजी हैं, मुकदमा लड़ने गए हैं, उन्होंने बोला जाके संभाल दे, तो संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। सर इंस्पेक्टर का माथा बनाया, हेडमास्टर की कैबिन में गया, बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, ना बच्चे असली ना मास्टर असली है। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, व्यंग हाथ से दोनों पिरो करके परोस दूं तो ताली और मुस्कुराहट दोनों मिले। बोला साहब 10,000 की नोट निकाल करके इंस्पेक्टर के हाथ पर रखते हुए बोला देखो साहब मैं भी असली हेडमास्टर नहीं हूं, असली हमारे बड़े भैया हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा, अगली बात अच्छी लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते इसके बाद पे एक एक हाथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो इंस्पेक्टर ने कहा, हेडमास्टर ने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं। उस व्यवस्था में मैं कविता सुना रहा हूं, क्योंकि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया, तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो भी याद होए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया, तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया, तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया,
हुआ, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया, ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। और अंतिम बात पर एक हाथ खड़ा करना, ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ताली पहले बजा देते तो तेना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार, हार्ट अटैक आने जैसी परिस्थिति हो गई थी यार। आप समझते नहीं हो यार, ये मुख्यमंत्री जी समस्या ये है, हम भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अच्छत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुनी नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वही ताली ठोक देना। एक अंग्रेज आया, बोला क्या तुम्हारा हिंदुस्तान, हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है, उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, हमारे अंदर का छत्तीसगढ़ जगह, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो, उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, अध्याय समाप्त हुआ। मैं अंतिम रूप से बहुत अच्छे, हाँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं सर, इतना पैसा ले रहे हैं ये, हम अगली साल भी आ जाएंगे, हमारा बड़ा कम बजट है, ये बहुत ले रहे हैं सर क्या बताएं, लेकिन फिर भी ये बचे हुए हैं ईडी से सीबीआई से, हाँ क्योंकि ये जो लेते हैं टैक्स भरते हैं, टैक्स न भरें अगर वो चाह लें तो हो जाएगा, क्योंकि उनके चाहने पे सब निर्भर है। मैं तो भक्त हूं, हाँ आप तो ऐसे शांत हो गए, डॉक्टर साहब ने बोला था जहां कभी ऐसा कुछ बोले कि आपको लगे, उनके बात का प्रभाव पड़ता है यार, आप शांत हो गए, ऐसा शांत मत होइए, हम महासागर हैं, हम कुछ अलग सुना देंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके यहाँ कविता बहुत अच्छी सुनी जाती, पहली कविता बो रहा हूं जो घर घर की बीमारी है, बहुत अच्छी कविता है वो। और डॉक्टर साहब का रामेश्वर वैष्णव जी ये बहुत अच्छे आदमी है, ये मुझे बहुत जमाने से कांकेर पहली बार हमको बुलाए थे और बोले थे बस से आ जाना और बस से चले जाना, हम आज तक बस में हैं, हाँ सही बता रहे हैं। हाँ देखिए दुनिया मोबाइल, आजकल ये आजकल मोबाइल एक इजाद किया हुआ विज्ञान ही नहीं है, बापू चिन्मयानंद जी ने कहा था कि आज दिनेशो कविता तुम सुनाना, मैंग जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्हें लेके आए, संत सामने होता है तो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हम तो बताएं महाराज जी हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, हमारी पत्नी को हम लेके गए, हमारी बीवी जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए, वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरा पति कवि हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री के सामने सुन लिया जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो इसे अच्छे पैसे मिले, बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया, वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा, हम सही बता रहे हैं, ऐसे बहुत घूम रहे हैं भाई साहब जो नागा बाबा नहीं है जिनके कपड़े चुराए गए हैं, और हम संत गिर जाते हैं महाराज जी क्या करेंगे, तो ऐसा ऐसा नहीं है महाराज जी तो क्या सुनाते हैं बहुत अच्छा लगता, तब देखिए कविता का कोई मापदंड ताली नहीं होती ऐसा कुमार विश्वास जी कहते हैं, लेकिन कवि की हिम्मत जरूर ताली होती है ऐसा मैं कहता हूं। आप सुधीर बोला मेरी बहन को सुनिएगा मुझे अच्छा लगता है, देखिएगा अब मैं काली मांगूंगा नहीं, आपको लगे कि दिनेश बावरा, क्योंकि व्यंग करना नहीं चाहता हूं, पता गरीब आदमी हूं कवि आदमी हूं पता नहीं कब क्या हो जाए, व्यंग नहीं करूंगा, आपको सुनाता हूं कि सूरज छत्तीसगढ़ वालों प्यारे लोगों मोहब्बत वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है, वाह, एक चौराहे पर भारत का नक्शा टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा था, एक फकीर गुजरा, देखा कि टुकड़ा टुकड़े में गिरा है, कोई उसको उठा नहीं रहा है, उसने उठाया तो एक आदमी नेताजी ने पूछा कि क्या करोगे, बोले घर ले जाएंगे, बोले घर ले जाके क्या करोगे, बोले इसे संभाल के रखेंगे, बोले नहीं नहीं घर पे ले जाके क्या करोगे मुझे पता नहीं, ये नक्शा अगर तुम सम्मान करते हो तो यहीं जोड़ दो, उस फकीर ने 5 मिनट में उस भारत के नक्शे को जोड़ दिया, नेता हैरान थे, बोले हम ये काम बहुत वर्षों से करना चाह रहे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपने कैसे किया, अरे बोले महाराज बड़ा छोटा सा काम था, इस भारत के नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, भारत का नक्शा अपने आप बनता चला।
चाहे फकीर हो, चाहे राहुल गांधी, अगर भारत को जोड़ रहे हैं तो तालियां बजनी चाहिए, चाहे वो नक्शा हो चाहे वो देश हो साहब। तब सुनाता हूं कि सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक बापू एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, हर एक वायरल होना चाहता है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। अगली दो पंक्ति पे देखना चाहता हूँ जन समूह समर्थन करता कि नहीं। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, किस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। आए। बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छा। जवान कर दिया है, जवान कर दिया है। मोबाइल जिसका भी आविष्कार है छत्तीसगढ़ वालों, उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। वाह। लेकिन एक एक पंक्ति संभाले, मैं कलेजा निकाल रहा हूं तो आप हाथ निकालना। वाह। इस मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने ऐप ऐसे ऐसे गेम में बच्चे पागल हो जा रहे हैं। इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है, शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर आपके घर के चौखट के आंगन की बात उठा लाया हूं तो मुझे बताना, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, इसने एक साथ बैठ करके बतियाने वाला परिवार छीना। वाह वाह वाह, अच्छी बात है। इसने एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। आप कहेंगे इसने छीना है, मैं न्यूडिया मीडिया के कवि सम्मेलन में हूं, News 24 के, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। वाह। अगली पंक्ति पर कुमार विश्वास जी का विशेष स्नेह, जरा देखता हूं छत्तीसगढ़ी देता क्या। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। बेशक बेशक। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, लेकिन भाई साहब घर के कोने में एक बार बैठ के सोचिएगा, इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी, उत्सुकता छीनी है। ये जो विज्ञान है, इसके पास सिर्फ शरीर के रोगों का समाधान है, न सुकून न आत्मा का नाद है, न सुकून की बोली है। सुलाने के लिए तो बहुत कुछ है इसके पास, छत्तीसगढ़ वालों, रायपुर वालों, सुलाने के लिए तो बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन जगाने के लिए नहीं, एक छोटी सी गोली है। जगाने के लिए नहीं, एक छोटी सी गोली है। इसलिए अंतिम चार पंक्तियों में विदाई चाहता है दिनेश बावरा, और देखना चाहता है कैसे विदा करती है यह जनता। अगर आप इस दुनिया से थोड़ा दूर जाना, अगर इस दुनिया से आपको खुद को है बचाना, तो इस मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना आप अपनी मखमली एहसास खो देंगे, जिंदगी के हरे भरे एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर के कोने में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना है। और अंतिम निवेदन पर मेरी विदाई ठीक करना, मुख्यमंत्री जी के सामने, बापू के सामने, जनता के सामने मांगता है, क्या क्या छीना है। दिनेश बावरा मुंबई से आकर के झोले फैला करके निवेदन इतना करता है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।